श्री हरि विष्णु के सातवें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चालीसा का पाठ व्यक्ति के जीवन की समस्त समस्याओं को समाप्त कर देता है। कलयुग में प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेने मात्र से बड़ा काम बड़ी ही सरलता से सिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार प्रभु श्री राम महासागर पर पुल बांधकर उसके पार चले गए, उसी प्रकार उनके चालीसा का पाठ करने से वह अपने भक्तों को जीवन की सभी बाधाओं के महासागर से क्षण मात्र में ही पार करा देते हैं। राम चालीसा का पाठ करने से विवेक और बुद्धि का विकास होता है, मान सम्मान और यश में वृद्धि होती है, समस्त शत्रुओं का विनाश हो जाता है, सुख सौभाग्य आदि की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होती है तथा ग्रह कलेश आदि से छुटकारा मिलता है। तो आइए हम इस महाकल्याणकारी राम चालीसा का हिंदी में पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। श्री रघुबीर भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं होई। ध्यान धरे शिवजी मनमाही, ब्रह्मा इंद्र पार नहीं पाही। दूत तुम्हार वीर हनुमाना, जासु प्रभाव तिहुपुर जाना। जय 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 रघुनाथ कृपाला, सदा करो संतन प्रतिपाला। अर्थात हे रघुबीर, भक्तों का कल्याण करने वाले हे भगवान श्री राम, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। हे प्रभु, जो दिन रात केवल आपका ध्यान करता है, अर्थात हर समय आपका स्मरण करता है, उसके समान दूसरा भक्त कोई नहीं। भगवान शिव भी मन ही मन आपका ध्यान करते हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि भी आपकी लीला को पूरी तरह नहीं जान सके। आपके दूत वीर हनुमान जी हैं, तीनों लोकों में जिनके प्रभाव को सब जानते हैं। हे कृपालु रघुनाथ, सदा संतों के प्रतिपालक श्री राम, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तुम भुजदंड प्रचंड कृपाला, रावण मारी सुरन प्रतिपाला। तुम अनाथ के नाथ गुसाई, दीनन के हो सदा सहाई। ब्रह्मादिक तव पार न पावें, सदा ईश तुम्हरो यश गावें। चारों वेद भरत हैं साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। गुण गावत शारद मनमाही, सुरपति ताको पार न पाही। नाम तुम्हार लेत जो कोई, सो सम धन्य और नहीं हुई। राम नाम है अपरम पारा, चार ही वेदन जा ही पुकारा। अर्थात हे प्रभु, आपकी भुजाओं में अपार शक्ति है, लेकिन इनसे हमेशा कल्याण हुआ है, अर्थात आपने हमेशा अपनी कृपा बरसाई है। हे देवताओं के प्रतिपालक भगवान श्री राम, आपने ही रावण जैसे दुष्ट को मारा है। हे प्रभु, हे स्वामी, जिसका कोई नहीं है उसका दामन आप ही थामते हैं, अर्थात आप ही उसके स्वामी हैं। आपने हमेशा दीन दुखियों का कल्याण किया है। ब्रह्मा आदि भी आपका पार नहीं पा सके, स्वयं ईश्वर भी आपकी कीर्ति का गुणगान करते हैं। आपने हमेशा अपने भक्तों का मान रखा है प्रभु, चारों वेद भी इसके साक्षी हैं। हे प्रभु, शारदे माँ भी मन ही मन आपका स्मरण करती हैं। देवराज इंद्र भी आपकी महिमा का पार न पा सके, जो भी आपका नाम लेता है उसके समान धन्य और कोई भी नहीं है। हे श्री राम, आपका नाम अपरंपार है, चारों वेदों ने पुकार पुकार कर इसका ही बखान किया है, अर्थात चारों वेद आपकी महिमा को अपरंपार मानते हैं। गणपति नाम तुम्हारो लीन हूँ, तिनको प्रथम पूज्य तुम कीन हूँ। शेष रटत नित नाम तुम्हारा, मही को भार शीश पर धारा। फूल समान रहत सो भारा, पावत को न तुम्हरो पारा। भरत नाम तुम्हरो उर्धरो, तासों कबहु न रण में हारो। नाम शत्रुहन हृदय प्रकाशा, सुमिरत होत शत्रु करनाशा। लखन तुम्हारे आज्ञाकारी, सदा करत संतन रखवारी। ताते रण जीते नहीं कोई, युद्ध जुरे यमहु किन होई। अर्थात भगवान श्री गणेश ने भी आपका नाम स्मरण किया, आपने ही उन्हें प्रथम पूज्य बनाया। शेष नाग भी हमेशा आपके नाम का जाप करते हैं, जिससे वे पृथ्वी के भार को अपने सिर पर धारण करने में सक्षम हुए हैं। आपके स्मरण करने से बड़ा भार भी फूल के समान लगता है। हे प्रभु, आपका पार कोई नहीं पा सकता, अर्थात आपकी महिमा को कोई नहीं जान सकता। भरत ने आपका नाम अपने हृदय में धारण किया, इसलिए उन्हें युद्ध में कोई नहीं हरा सका। शत्रुघ्न के हृदय में भी आपका नाम प्रकाश था, इसलिए तो आपका स्मरण करते ही वे शत्रुओं का नाश कर देते थे। लक्ष्मण आपके आज्ञाकारी हैं, जिन्होंने हमेशा संतों की रखवाली एवं सुरक्षा की। उनसे भी कोई युद्ध नहीं जीत सकता था, चाहे युद्ध में स्वयं यमराज क्यों ना लड़ रहे हों। महालक्ष्मी धर अवतारा, सब विधि करत पाप को छारा। सीता राम पुनीता गायो,
भुवनेश्वरी प्रभाव दिखायो। घट सो प्रकट भई सो आई, जाको देखत चंद्र लजाई। जो तुम्हरे नित पाँव पलोटत, नवो निधि चरण में लोटत। सिद्धि 18 मंगलकारी, सो तुम पर जावे बलिहारी। अर्थात आपके साथ साथ माँ महालक्ष्मी ने भी अवतार रूप लेकर हर विधि से पाप का नाश किया, इसलिए सीताराम का पवित्र नाम गाया जाता है। माँ भुवनेश्वरी अपना प्रभाव दिखाती हैं। माता सीता ने जब अवतार लिया तो वे घट यानी घड़े से प्रकट हुई। इनका रूप इतना सुंदर था कि जिन्हें देखकर चंद्रमा भी लजा जाए। हे प्रभु, जो नित्य आपके चरणों को धोता है, नौ निधियां उसके चरणों में लूट लगाती हैं। उसके लिए 18 सिद्धियां मंगलकारी होती हैं, जो आप पर न्यौछावर है। और जो अनेक प्रभुताई, सो सीतापति तुम ही बनाई। इच्छा ते कोटिन संसारा, रचत न लागत पल की बारा। जो तुम्हारे चरण चित लावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सुनहु राम तुम तात हमारे, तुम ही भरत कुल पूज्य प्रचारे। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम गुरु देव प्राण के प्यारे। हे सीतापति, भगवान श्री राम, अन्य जितने देवी देवता हैं, सब आपने ही बनाए हैं। आपकी इच्छा हो तो आपको करोड़ों संसार की रचना करने में भी पल भर की देरी न लगी। जो आपके चरणों में ध्यान लगाता है, उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है। हे श्री राम, सुन लीजिए, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही भारतवर्ष में पूज्य हैं। हे देव, आप ही हमारे कुलदेव हैं। हे गुरुदेव, आप हमें प्राणों से प्यारे हैं। जो कुछ हो सो तुम ही राजा, जय 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 प्रभु राखो लाजा। राम आत्मा पोषण हारे, जय 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 दशरथ के प्यारे। जय 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 प्रभु ज्योति स्वरूपा, नवगुण ब्रह्म अखंड अनूपा। सत्य सत्य जय सत्यव्रत स्वामी, सत्य सनातन अंतर्यामी। सत्य भजन तुम्हरे जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। सत्य सपत गौरीपति कीन्ही, तुमने भक्ति ही सब सिद्धि देनी। हे प्रभु श्री राम, हमारे जो कुछ भी हैं, सब आप ही हैं। हमारी लाज रखिए, आपकी जय हो प्रभु। हे हमारी आत्मा का पोषण करने वाले दशरथ के प्यारे भगवान श्री राम, आपकी जय हो। हे ज्योति स्वरूप प्रभु, आपकी जय हो। आप ही निर्गुण ईश्वर हैं, जो अद्वितीय हैं, अखंडित हैं। हे सत्य स्वरूप, सत्य के पालक, आप ही सत्य हैं, आपकी जय हो। अनादिकाल से आप ही सत्य हैं, अंतर्यामी हैं। सच्चे हृदय से जो भी आपका भजन करता है, उसे चारों फल की प्राप्ति होती है। इसी सत्य की शपथ भगवान शंकर ने की, जिससे आपने उन्हें भक्ति के साथ साथ सब सिद्धियां भी दी। ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा, नमो नमो जय जगपति भूपा। धन्य धन्य तुम धन्य प्रतापा, नाम तुम्हार हरत संतापा। सत्य शुद्ध देवन मुख गाया, बजी दुन्दुवी शंख बजाया। सत्य सत्य तुम सत्य सनातन, तुम ही हो हमारे तन मन धन। हे ज्ञान स्वरूप, हमारे हृदय को भी ज्ञान दीजिए। हे जगपति, हे ब्रह्मांड के राजा, आपकी जय हो। हम आपको नमन करते हैं। आपका प्रताप धन्य है, आप भी धन्य हैं। प्रभु आपका नाम सारे संतापों अर्थात सारे कष्टों का हरण कर लेता है। आप ही शुद्ध सत्य हैं, जिसे देवताओं ने अपने मुख से गाया था, जिसके बाद शंख की दुन्दुभी बजी। अनादिकाल से आप ही सत्य हैं, हे प्रभु, आप ही हमारा तन मन एवं धन है। या को पाठ करे जो कोई, ज्ञान प्रकट ताके उर होई। आवागमन मिटे ती केरा, सत्य वचन माने शिव मेरा। और आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे सोई। तीन काल ध्यान जो ल्यावे, तुलसी दल अरु फूल चढ़ावे। साग पत्र सो भोग लगावे, सो नर सकल सिद्धता पावे। अंत समय रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। श्री हरदास कहे अरु गावे, सो बैकुंठ धाम को पावे। अर्थात जो कोई भी इसका पाठ करता है, उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, अर्थात उसे सत्य का ज्ञान होता है, उसका आवागमन मिट जाता है। भगवान शिव भी मेरे इस वचन को सत्य मानते हैं। यदि और कोई इच्छा उसके मन में होती है, तो इच्छा अनुसार फल प्राप्त होते हैं। जो कोई भी तीनों काल प्रभु का ध्यान लगाता है, प्रभु को तुलसी दल व फूल अर्पण करता है, साग पत्र से भोग लगाता है, उसे सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अंतिम समय में वह रघुबरपुर अर्थात स्वर्ग लोक में गमन करता है, जहां पर जन्म लेने से ही जीव हरि भक्त कहलाता है। श्री हरिदास भी गाते हुए कहते हैं, वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। दोहा, सात दिवस जो नेम कर पाठ करे चित लाए, हरिदास हरि कृपा से अवसी भक्ति को पाए। राम चालीसा जो पढ़े, राम चरण चित लाए,
सो इच्छा मन में करें सकल सिद्ध हो जाए। अर्थात यदि कोई भी 7 दिनों तक नियम पूर्वक ध्यान लगाकर इसका पाठ करता है तो हरिदास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा से वह अवश्य ही भक्ति को पा लेता है। राम के चरणों में ध्यान लगाकर जो कोई भी इस राम चालीसा को पढ़ता है वह जो भी मन में इच्छा करता है वह अवश्य पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार यह परम कल्याणकारी राम चालीसा संपूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम।